आदमी पार्टी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भिवानी में बदलाव जनसभा कर हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मांगा। उनके साथ वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद रहे। प्रदेश संयुक्त सचिव इंदु शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव, प्रदेश संगठन मंत्री रविंदर मटरू, गीता श्योरान, धनराज कुंडू, पवन हिंदुस्तानी, रामचंद फौजी, पूर्ण जानगड़ा, दीपक बागड़ी, विक्की चंडालिया, श्यामलाल शर्मा, रोहित, सतीश शांडिल्य, राजा चांगिया, महेश हुड्डा, मनोज शर्मा, ओंकार सैनी और नरेश गोयल मौजूद रहे। बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं उस अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि पर आया हूं जिसने दिल्ली और पंजाब की दशा और दिशा बदल दी। उनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। ये भी कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप ही लोगों के काम होंगे, क्योंकि वो आम आदमी की सरकार होगी। इसलिए साथियों, आपके बीच में ये निवेदन लेकर के आज यहां पर पहुंचे हैं कि हर पार्टी को आपने मौका दिया, हर नेता को आपने मौका दिया। एक पार्टी तो ऐसी है जिसने आम लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जो आपके ऊपर अत्याचार करती रहती है, चाहे परिवार पहचान पत्र के नाम पे अत्याचार करते हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे अत्याचार करते हो, चाहे बिजली पानी के संकट से अत्याचार करते हो, चाहे किसानों को सड़क पे बिठा करके अत्याचार करते हो, या युवाओं को बेरोजगार रख के अत्याचार करते हो, एक पार्टी ऐसी है जो आप लोगों पर हर रोज अत्याचार करती है। और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसको आपका वोट तो चाहिए, लेकिन इनके अपने झगड़े ही खत्म नहीं होते। ये आपके झगड़े से ज्यादा, आपके मुद्दों के लिए लड़ने से ज्यादा आपस में लड़ने में यकीन करते हैं, आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पिछली सारी पार्टियों को छोड़ के अब अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को अपना लो, आम आदमी पार्टी का राज बना लो और अपने सारे काम खुद से करवा लीजिए। ये आप लोगों के हाथ में, इस चुनाव में झाड़ू को थाम लीजिए, पूरे हरियाणा के अंदर झाड़ू चला दीजिए। बस इतना ही अनुरोध करते हुए मैं आपसे रूबरू हूं। आज आप बेरोजगारी देखिए, हरियाणा में आज बेरोजगारी नंबर वन पे है पूरी देश में। 38 से 40% बेरोजगारी हरियाणा में है, जो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा को नंबर वन बनाती है। आज हर रोज इनके पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भी इनकी भर्तियां हैं बीजेपी सरकार की वो विचाराधीन है। सी ग्रुप की भर्तियां इन्होंने करी थी, 23,000 बच्चों पे आज बेरोजगार की तलवार लटकी हुई है। 462 एसआई भर्ती हुए थे, उन पे आज बेरोजगारी की तलवार लटकी हुई है। देखिए, ये जो बेरोजगारी है ये दीमक है, ये धीरे धीरे हर घर को खा जाएगी। तो देखिए, आप सबके बच्चे हैं जिन्हें आपने पढ़ा लिखा कर बहुत मेहनत से बड़ा किया, आज वो सब लोग बेरोजगार हुए घर पे बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को रोजगार मिले, आप सब आम आदमी पार्टी को वोट करिए। देखिए, कुछ रुझेवे ऐसे होंगे, कुछ व्यवस्था ऐसी होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। आपको पता ही है कि जिस तरीके के साथ केंद्र की सरकार गवर्नेंस करने नहीं दे रही दिल्ली में, पंजाब में, और पार्टी की भी व्यवस्था थी अरविंद जी के ऊपर भी जो गलत और झूठे केस डाले हुए हैं, उसकी भी पारिवारिक भी और पार्टी की तरफ से कुछ व्यवस्थाएँ सुनीता जी की होगी जिसकी वजह से नहीं आ पाए। लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं भिवानी को कि जैसी अरविंद जी जेल से बाहर आते हैं, सुनीता जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद यहाँ पे आएंगे। नहीं, क्यों नहीं चल पाएगी? यदि देखो, कार्ड तो लोगों ने चलाना होता है। लोगों को हर घर को आज क्या चाहिए? आपका घर हो, मेरा घर हो, इनका भाई साहब का घर हो, क्या चाहिए? बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिल जाए, हर घर को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, हर घर के ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ा हुआ है वो सरकार थोड़ा सा बोझ को साझा कर ले, शेयर कर ले, वो बोझ उठा ले। उसके लिए जो 1,000 रुपया माताओं बहनों को वो मिलने की बात की है हमने, हर घर को मुफ्त बिजली मिले, अच्छी अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई मिले, भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो शासन मिले, यही चीज़ें आम आदमी को चाहिए। और इन्हीं को लेके आम आदमी पार्टी दिल्ली में चली थी, वहाँ भी लोगों ने सत्ता सौंपी, वहाँ भी सेवा का मौका दिया, पंजाब में भी दिया, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी
आज हरियाणा इतना साल बाद भी इन्हीं बेसिक इश्यूज के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए आज तरस रहा है। कुछ परिवार हैं जो तरक्कियां कर रहे हैं, जो विकास हो रहा है, बाकी आम परिवारों आम परिवार तो गरीबी की और गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, आप ना मेरी बात समझिए, आप मीडिया वाले मेरे साथी जो हैं बहुत सुलझे हुए हैं, आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने मेरे से सवाल पूछे, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तक राज किसने किया है? कांग्रेस ने और भाजपा ने। 2005 से लेके 2007 तक केंद्र में किसका राज था? कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंजाब में किसका राज? कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा में किसका राज? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दिल्ली में किसका राज? शीला दीक्षित। अगर कांग्रेस करना चाहती तब तो कर सकती थी, नहीं किया हल। उसके बाद 2015 से 2017 तक केंद्र में किसका राज? श्री नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का। हरियाणा में किसका राज? श्री मनोहर लाल खट्टर का, भाजपा का। पंजाब में किसका राज? अकाली दल और भाजपा का गठजोड़ था।